सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर काफी विकट हालात है। कहीं वार्डों में पानी की एक एक बूंद के लिए आम जनता तरस रही है। वार्ड 89 में स्थानीय पार्षद गिरिराज शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। यहां दादाबाड़ी सेवा बस्ती में पानी की पाइपलाइन डालने में हो रही देरी के कारण आम जनता को काफी परेशान करना पड़ रहा है। ऐसे में जनसेवा में तत्पर पार्षद गिरिराज शर्मा ने अधिशासी अभियंता का घेराव भी किया और कहा 15 दिन में इस समस्या का समाधान किया जाए। मतलब है पार्षद गिरिराज शर्मा पहली पानी की समस्या को लेकर लगातार वार्ड में सक्रिय हैं, तो वार्ड की अन्य समस्या उठाने भी लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं। इसके साथ राणा बस्ती में पानी की टंकी रखवाने को लेकर सहमति बनी, तो पार्षद ने कहा अधिकारी ने अध्यक्षीय अमंता ने उनको आश्वासन दिया है 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद नहीं माने तो सड़कों पर अनियमितता उतरेगी। स्थानीय लोगों ने मुझे अवगत कराया और आज माननीय अधिशासी अभियंता के नाम से जलदाय विभाग आकर ज्ञापन दिया, उसे बात हुई और उन्होंने आगामी 3 दिन के अंदर दूसरी नई लाइन डालने का हमें आश्वासन दिया है। आगामी 7 दिन के अंदर अगर लाइन नहीं डाली जाती उन्हें जलदाय विभाग आएंगे और एक बहुत बड़ा घेराव करेंगे। अभी हम इनको ज्ञापन दे के जा रहे हैं और इन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि हम नई लाइन डालेंगे। मैं हमारे स्थानीय नागरिक जनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब भी ऐसी पानी की कोई समस्या होती है, कोई भी प्रकार की समस्या होती है, जागरूक जनता के नाते हमेशा मुझे अवगत कराते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।